हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अपने कैटेगरीज को शो कराएंगे नए बार में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलते हैं अपनी वीएस कोड टेक्स्ट एडिटर में। एंड यहाँ पे आके इसको हम करते हैं क्लोज, इसको करते हैं क्लोज। एंड नाउ जो पहला स्टेप है हमारा वो ये है कि आपको कैटेगरीज ऐप में जाना है। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको एक फाइल करनी है क्रिएट, इसका नाम है कंटेक्स्ट प्रोसेसर्स डॉट पी वाई। ये फाइल क्रिएट करने के बाद आपको इसमें एक मेथड डिफाइन करना है या फंक्शन डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आपको ना इंपोर्ट कर लेना है मॉडल्स को, इंपोर्ट मॉडल्स डॉट मॉडल से फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट कर दो आप इसको प्रोडक्ट्स कैटेगरीज को। इसके बाद फिर हम एक मेथड फंक्शन बनाएंगे डेफ, इसका नाम रहेगा मेन्यू अंडरस्कोर लिंक्स करके। सो फर्स्ट पैरामीटर रिक्वेस्ट रहेगी, रिक्वेस्ट कॉलन, एंड इसमें जितनी भी हमारी कैटेगरी थी वो गेट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। यहाँ से हमको सारी कैटेगरी मिल जाएंगी। एंड इन कैटेगरीज को मैं एक ना लिंक नाम LINKS लिंक नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। इसके बाद यही हम लोग कर देंगे रिटर्न, रिटर्न टिक टाइप काट करके इसको हम लोग लिंक्स LINKS लिंक्स करेंगे हम लोग। एंड लिंक्स में LINKS लिंक्स कर देंगे, ठीक है, सेव किया हम लोगों ने ना। इसके बाद सेकेंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप हमारा ये है कि आपको जाना है सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर। तो हमारा प्रोजेक्ट है माई स्टोर, माई स्टोर में आपको जाना है, देन सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में जाना है। एंड यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे टेम्पलेट्स में आप देखेंगे, यहाँ पे है देखो एक टेक्स्ट कंटेक्स्ट प्रोसेस का एक ऑप्शन दिख रहा है। देन यहाँ पे आके आपको एक लाइन ऐड करनी है सिंगल कोट्स के अंदर, एंटर करिए सिंगल कोट, यहाँ लिखिए आप कैटेगरी CATEGORY, कैटेगरी जो कि हमारे एप्लीकेशन का नेम है, डॉट एंड फाइल का नेम क्या है, कंटेक्स्ट प्रोसेसर। सो कंटेक्स्ट प्रोसेसर्स, एंड इसके बाद अपने फंक्शन का नेम, तो फंक्शन का नेम है आपका मेन्यू अंडरस्कोर LINKS लिंक्स, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट लेवल पे हमारे जो कंटेक्स्ट है वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप हमारा ये है कि आपको जाना है अपनी नैव बार में, जहाँ भी आपको ये कैटेगरीज शो करानी है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने टेम्पलेट फोल्डर के अंदर, टेम्पलेट फोल्डर के अंदर बेस फोल्डर में हमारा हेडर डॉट एच टी एम एल फाइल है। इस हेडर्स डॉट एच टी एम फाइल के अंदर इसको करते हैं मिनिमाइज। तो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रही है आपको काफ़ी सारी, इसमें से हम लोग सबको कर देंगे रिमूव, एंड यहाँ पे बस एक ही रहने देंगे, एंड इसके ऊपर हम लगाएंगे फॉर लूप। तो परसेंटेज लगाएंगे हाँ फोर, एंड फोर के बाद आपको पता है कि कैटेगरी हम लोग फिल्टर कर रहे हैं CATEGORY और कैटेगरी इन लिंक्स। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ फॉर लूप को क्लोज कर देंगे, परसेंटेज एंड फोर, ठीक है, ये हमारा फॉर लूप यहाँ पे क्लोज हो गया। अब इसमें क्या क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आएंगे, पहले देख लेते हैं कि इतना कोड हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो आते हैं टर्मिनल में, इसके बाद सीएलएस करते हैं, इसको रन करते हैं। तो यहाँ दिखा रहा है ऐप रजिस्ट्री नॉट रेडी, तो कुछ प्रॉब्लम्स है, इसको चेक करते हैं हम लोग कहाँ पे इशू आ रही है। तो कोड में चलते हैं, कोड में आने के बाद यहाँ पे टॉप पे, सो यहाँ पे हमने क्या कर रखा था, इसको इम्पोर्ट किया हुआ था, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। आप लोगों ने नहीं किया होगा तो आप रहने दीजिएगा। सेव करने के बाद अगर हम लोग अगेन अपने टर्मिनल पे आते हैं और CLS करके अगर एप्लीकेशन को दोबारा से रन करेंगे, रन करने के बाद हम लोग अगेन चलते हैं यहाँ पे टेम्पलेट पे, देन रिफ्रेश करेंगे कैटेगरीज। तो ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको मल्टीपल टाइम्स जो कैटेगरी थे वो देखने को मिल रही है। ओके, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे हेडर्स डॉट एच टी एल में लूप को ऐड किया था। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि मुझे सारी कैटेगरी शो करानी है, तो जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफॉल्ट टेक्स्ट आ रहा है इसको रिमूव करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको डबल कर्ली ब्रेसेस यूज करने हैं, एंड यहाँ पे यूज करना है आपको
कैटेगरी डॉट कैटेगरी नेम CATEGORY कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। तो कैटेगरी नेम अगर हम लोग अब चेक करेंगे यहाँ पे तो रिफ्रेश करेंगे सो लुक ये हमको सारी की सारी कैटेगरी यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। बट अभी ये जो हमारी कैटेगरी है क्लिकेबल नहीं है, तो इसको क्लिकेबल बनाने के लिए हमको यहाँ पे HREF के अंदर हटाते हैं हैशटैग, देन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाना है डबल, एंड इसके अंदर आपको लिखना है कैटेगरी CATEGORY कैटेगरी डॉट गेट अंडरस्कोर URL। तो जो URL होगा हमारा ये भी डायनेमिक URL होगा क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट के लिए सॉरी हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग URL होंगे। देन हम क्या करेंगे इसके लिए एक स्पेशल अलग से फंक्शन बना लेते हैं या मेथड बना लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा गेट URL नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, तो उसके लिए चलना पड़ेगा हमको अगेन इस कैटेगरीज ऐप के अंदर टॉप में यहाँ पर आते हैं इस कैटेगरीज ऐप में आएंगे कैटेगरीज के अंदर मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल एंड यहाँ पे कैटेगरी जो है ना मॉडल्स इसके नीचे हम लोग एक फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे डेप गेट अंडरस्कोर URL देन पहला पैरामीटर सेल्फ ओके देन इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न रिवर्स फंक्शन ओके। सो रिवर्स फंक्शन चलाएंगे हम लोग रिवर्स RAVERSE रिवर्स इसको हम इम्पोर्ट कर लेते हैं रिवर्स RAVERSE ओके। सो इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं हम लोग टॉप लेवल पे जाके ठीक है ना। फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर आपको बस किस URL को रिवर्स करना है। देन हमने आपको पता है कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट के अंदर सॉरी स्टोर के अंदर यहाँ पे URL क्रिएट किया था अपने कैटेगरीज के लिए जिसका नाम दिया था हम लोगों ने प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी। देन इसको आपको कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद आपको अगेन मॉडल में आना है इसको यहाँ पे पेस्ट करना है देन कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद जो हमारे आर्गुमेंट्स होंगे वो किसकी भी आपको होगा हमारा सो सेल्फ डॉट एंड ये होगा हमारा सिलेक्ट सिलेक्ट SLUG सिलेक्ट। सेव करते हैं इसको हम लोग सेव करते हैं। तो अभी अगेन हम लोग टेबल टेबल चेक करेंगे तो यहाँ पे तो कोई एरर है नहीं अभी हमारा। यहाँ पर आते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं। सो रिफ्रेश में दिखा रहा है ऑडियो लूप टेक्स नो कीवर्ड आर्गुमेंट्स ओके। सो इसमें कुछ मिस्टेक की हम लोगों ने सो अगर हम लोग इसको रिमूव करते हैं यहाँ से जेंगो डॉट URLS से इंपोर्ट कर लेंगे फिर रिवर्स फंक्शन को RAVERSE रिवर्स फंक्शन को ओके। सो इसको हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया एंड इंपोर्ट करने के बाद ओके अगेन हम लोग सर्वर चेक करेंगे अपना कोई एरर नहीं एंड चलेंगे हम लोग अपने ब्राउज़र पे रिफ्रेश करेंगे ओके परफेक्ट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमारे सारे प्रोडक्ट देख रहे हैं कोई एरर नहीं ना। अभी अगर हम लोग शर्ट्स पे क्लिक करते हैं देन आप देख सकते हैं यहाँ पे शर्ट्स आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे ना। अगर हम लोग जैकेट्स कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं देन जैकेट्स यू विल सी एंड जीन्स शूज एंड टी शर्ट्स ओके। सो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आपको कि किस तरीके से आप नए पार में कैटेगरीज को शो करा सकते हैं। अगेन मैं आपको 1 मिनट के अंदर ये सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो सबसे पहले आपको मैं इसको सबको क्लोज करता हूँ देन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे काम करना है। आपको सबसे पहले आपको आना है अपनी कैटेगरी ऐप के अंदर देन कैटेगरी ऐप के अंदर आने के बाद आपको कॉन्टेक्स्ट अंडरस्कोर प्रोसेसर डॉट पी वाई फाइल करनी है क्रिएट। इसके अंदर आपको कैटेगरी मॉडल करना है इम्पोर्ट देन मेन्यू लिंक एक फंक्शन बनाना है इसके अंदर कैटेगरीज डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल फंक्शन देन लिंक करा देनी है रिटर्न। देन अगेन फिर आपका सेकंड स्टेप रहेगा कि आपको प्रोजेक्ट फोल्डर में जाना है देन सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल के अंदर जो हमारा कंटेक्स्ट है इसको आपको यहाँ पे ऐड कर देना है कैटेगरी मीन एप्लीकेशन का नेम
कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर्स एंड फंक्शन का नेम। ये सेकंड स्टेप खत्म होने के बाद फिर आपको जाना है अपने हेडर्स डॉट एच टी एम फाइल के अंदर। देन यहाँ पे आपको एक लूप ऐड करना है कैटेगरी इन लिंक्स एंड फोर के अंदर। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है हमारा वो ये है कि आपको अगेन कैटेगरी ऐप के अंदर जाना है। कैटेगरी ऐप में जाने के बाद मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर रिवर्स फंक्शन को आपको इंपोर्ट कराना है। एंड देन लास्ट में आपको एक फंक्शन बनाना है गेट यू आर एल एंड यहाँ पे रिवर्स प्रोडक्ट के अंदर। ओके सो इस तरीके से आप इस फंक्शनलिटी को अचीव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।